तो दोस्तों आज फिर से आपके साथ और आपके लिए एक ज़बरदस्त वेबसाइट लेकर आया हूँ। इस वेबसाइट के मदद से आपको कोई पर्टिकुलर वेबसाइट मतलब आप सर्च कर रहे हैं लेकिन वो आपको सर्च करने के बाद नहीं मिल रहा है, या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या पर्टिकुलर कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हो लेकिन आपके सामने नहीं मिल रहा, मतलब सर्च करके आप अलग अलग वेबसाइट में जाके आप थक जा रहे हो लेकिन आपको नहीं मिल रहा लेकिन आपको चाहिए, तो किस तरह से आप सर्च कर सकते हो? क्योंकि कुछ लोग को सर्च करने का सही तरीका नहीं पता रहता है, फिर भी कुछ चाहिए वो सर्च करते हैं लेकिन वो उनको जो सही चीज़ चाहिए वो नहीं मिलता। लेकिन आप कुछ भी सर्च कर सकते हो इस वेबसाइट में, आपके सामने वो जो भी आप सर्च कर रहे हैं आपके सामने लेके आकर देगा। आप टाइम भी सेविंग कर सकते हो, प्लस आप डाउनलोड करना चाहते हो उस चीज़ को तो आप डाउनलोड कर सकते हो, सॉफ्टवेयर हो चाहे एप्लीकेशन हो चाहे आप कोई भी पर्टिकुलर चीज़ हो, सॉन्ग या अदर कोई भी चीज़ हो, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो या आप इस्तेमाल करना चाहते हो या कुछ पर्टिकुलर चीज़ को बारे में सर्च करते हो तो आपको नहीं मिल रहा है, तो इस वेबसाइट को एक बार ज़रूर ट्राई करना। आपका प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में होने वाला है। तो गाइस चलिए कौन सा वेबसाइट है और किस तरह से इसको इस्तेमाल करते चलिए जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सागर, आप सभी का स्वागत है CPS टेक्निकल में। आपको वीडियो पूरा वॉच करना है तो नीचे लिंक है, लिंक पर क्लिक करके पूरा वीडियो वॉच कर सकते हो। तो चलिए आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक बिना देर के बिना टाइम का करते स्टार्ट। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मोबाइल स्क्रीन देख सकते हो, आने के बाद आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना चाहते हो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। कुछ नहीं कैसे एंडी टाइप करके सर्च करने में देख सकते हो, एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हो, एप्लीकेशन देख सकते हो इस तरह से एप्लीकेशन है, उसका नाम देख सकते हो, उसका लोगो भी देख सकते हो, फिर डाउनलोड भी देख सकते हो। लेकिन कुछ डिवाइस में यूज़ करता है इस एप्लीकेशन को, कुछ डिवाइस में यूज़ नहीं होता है, तो आपके डिवाइस में यूज़ होता है तो सही बात है, तो अच्छा बात है, तो यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र में जाकर चलिए सही तरीके से उसका यूज़ और बेनिफिट किस तरह से आप ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ, ओपन कर मैं इधर सर्च बार में सिंपल में एंडी टाइप करके सर्च करने में दे सकते हो इस तरह से वेबसाइट आता है। तो पहला नंबर वेबसाइट पे सिंपल में क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद दे सकते हो इस तरह से डैशबोर्ड आता है, मतलब होम पेज आता है। आने बाद दे सकते हो आप एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हो, एप्लीकेशन भी सेम प्रोसेस से होता है, फिर वेबसाइट भी सेम प्रोसेस से होता है। मेरा सजेशन इतना ही, तो आपको थोड़ा समय के लिए चाहिए तो आप वेबसाइट ही यूज़ कीजिए। तो गाइस आप इसके अंदर कुछ भी सर्च कर सकते हो, आपको कोई वेबसाइट नहीं मिल रहा है तो आप वेबसाइट सर्च कर सकते हो, आपको कोई एप्लीकेशन नहीं मिल रहा है एप्लीकेशन सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब सर्च करके आपके सामने बताता हूँ, यूट्यूब टाइप किया तो सिंपल में मैं सेंड किया, तो थोड़ा समय लेता है, थोड़ा समय के बाद आपका देखेंगे सही तरीके से काम करता है कि नहीं, थोड़ा वेट करेंगे। देख सकते हैं थोड़ा समय के बाद ऑटोमेटिकली आपको इसके बाद इसका क्या काम है सब कुछ इधर डिटेल में आपको दिया, तो आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। तो आप देख सकते हैं आप YouTube में डायरेक्ट मतलब उस एप्लीकेशन को ओपन करके डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हो तो डायरेक्ट वेबसाइट पर भी लेके जाएगा, फिर डाउनलोड करना है तो आप इधर सिंपल में देख सकते हो इधर YouTube डाउनलोड बोल के टाइप करके सर्च किया तो वो आएगा। YouTube ही नहीं, ऐसा ही कोई भी अदर एप्लीकेशन अदर कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी सॉफ्टवेयर आपको सर्च करना है तो सर्च कीजिए, आपको डाउनलोड है डाउनलोड चाहिए तो डाउनलोड, तो आप मैं माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहता हूँ मतलब माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट में जाना चाहता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट में टाइप करता हूँ, देखेंगे आता है नहीं। तो देखिए मैं माइक्रोसॉफ्ट टाइप करके सर्च कर किया लेकिन ये सही तरीके से सर्च नहीं कर पाता है, देख सकते हो वो ये वेबसाइट क्या बोलता है, आपको स्क्रीनशॉट है तो उस जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट है एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ के बारे में सर्च करें उसका स्क्रीनशॉट आपको देना पड़ेगा, तभी ये सही तरीके से डिटेक्ट मतलब कैप्चर करके सही तरीके से आपका जो भी काम है आसान कर देगा। तो गाइस कुछ समय तक काम करता है, कुछ समय फिर इसका सर्वर डाउन रहता है, तो आप सही तरीका मतलब नाइट को ही यूज़ कीजिए क्योंकि आपका जो भी काम है हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हो गाइस इस तरीके से आपको जो भी चाहिए तो आप सर्च कर सकते हो, लेकिन आपको मैं डेमो के लिए बताया क्योंकि पूरा दिखाया तो वीडियो बहुत लंबा होता है, तो फिलहाल के लिए आप समझ गए होंगे इतना ही डेमो आपको बता दिया। तो आपको कुछ भी इस वेबसाइट के बारे में फिर और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स। तो आशा करता हूँ कि जो मैं आपको प्रॉब्लम बताया आपको जो भी प्रॉब्लम था सोल्यूशन मिल गएगा। कुछ चाहिए तो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करना चाहिए तो वो भी सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हो, या एप्लीकेशन चाहिए तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके सर्च कर सकते हो, या आपको कोई फोटो सॉन्ग या अदर कोई भी कैटेगरी का कोई भी चीज़ सर्च करना चाहते हो आपको नहीं मिल रहा है तो आपका सोल्यूशन इस वीडियो में हो गया होगा। आपको जो भी प्रॉब्लम था सोल्यूशन मिल गया होगा इस वीडियो में,
तो आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया तो प्यारा सा एक लाइक कर सकते हो। फिर ऐसे ही मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स एंड एप्लीकेशन एंड वेबसाइट आपको रेगुलर मिलता रहे और सबसे पहले मिलता रहे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर इस वीडियो में और इस वेबसाइट के बारे में कुछ भी डाउट है या कुछ भी नहीं समझ में है तो नीचे प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इस वेबसाइट के लिए फिलहाल के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।